नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर। तो बड़ी खबर है प्रताप स्नैक्स को लेकर। आज इंटरडे में स्टॉक में धमाकेदार तेजी देखने को मिली। इस तरह की तेजी देखने को मिली कि स्टॉक जो है वो 15% तक उछल गया। जी हाँ, 15% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। खबर क्या है? खबर बड़ी दिलचस्प आई है, अगर आप जानेंगे और आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के पीछे आखिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ धोकर पड़ी हुई हैं, इसी से जुड़ी ये खबर है। और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो प्रताप स्नैक्स है, प्रताप स्नैक्स के बारे में अगर आप जाने तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत फेमस हैं। येलो डायमंड चिप्स के बारे में अगर आपने सुना हो, और अवध ब्रांड नमकीन, ये कंपनी जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत मार्केट में काफ़ी फेमस है। आपको बताऊं, कुछ साल पहले की बात, हल्दीराम ने स्टॉक इस कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, बीकाजी फूड्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई खरीदने में, लेकिन वो खरीद नहीं पाए, वैल्यूएशन को लेके बात बनी नहीं। लेकिन अब खबर क्या आई जिससे चलते स्टॉक जो उड़ गया, ITC करीब 47% हिस्सेदारी खरीदने की बात चल रही है यहाँ पर इस कंपनी में, प्रताप स्नैक्स में, जिसके बाद से स्टॉक में धमाकेदार तेजी देखने को मिली। और आपको बताएं कि जो 47% हिस्सेदारी है वो इसमें पीक XV पार्टनर, जिसे सिकोया कैपिटल के नाम से पहले जाना जाता था, उनकी करीब 47% इसमें हिस्सेदारी है। अब बात चल रही है ITC की कि ये जो हिस्सेदारी है वो खरीद सके और प्रताप स्नैक्स को करीब 47% की हिस्सेदारी उसके पास आ जाए, इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि 2017 में ये कंपनी का जो कंपनी जो थी वो लिस्टिंग हुई थी और 33% की करीब 33% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। मौजूदा वक्त में इसका जो मार्केट कैप है करीब 3068 करोड़ का है। स्टॉक करीब 1278 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ITC इसमें दिलचस्पी इसलिए दिखा रही है, देखिए ITC जो है बिंगो के नाम से नमकीन कई तरह के प्रोडक्ट्स निकालती है, लोकल कंपनियों से उसको बहुत ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है, और ऐसे में ITC इस मौके को गंवाना नहीं चाहती कि प्रताप स्नैक्स को अपनी हिस्सेदारी खरीदे, बढ़ाए और जो लोकल कंपनियां उनको टक्कर दे सके। अब कुछ रिपोर्ट्स भी आती है जिसमें साफ तौर पर बताया जाता है कि जो स्नैक्स का मार्केट है मौजूदा वक्त में करीब 42,000 करोड़ का है और 2032 तक 95,000 करोड़ का हो सकता है। और इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए ये जो ITC है, इस तरह की खबरें चल रही हैं कि वो इसमें हिस्सेदारी ले सकता है, जिसके चलते प्रताप स्नैक्स में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।